हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रीत एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रेसअप विद प्रीत, जहाँ मैं आपसे शेयर करती हूँ हॉल वीडियोस एंड स्टाइलिंग वीडियोस। आज की वीडियो जो है मिंत्रा हॉल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आपसे आज शेयर करूँगी बहुत ही सारे समर अप्रोप्रिएट टॉप्स, जो कि आप कॉलेज गोइंग, ऑफिस गोइंग हैं, सब जगह पहन सकते हैं, सभी जगह जो है आपके काम आ जाएंगे। इन सबके लिंक्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपको कोई भी प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो आप चेकआउट कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो जो फर्स्ट टॉप मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वो है ये कॉटन फैब्रिक के अंदर बहुत ही प्यारा सा ग्रीन कलर का टॉप, फ्लोरल प्रिंट के अंदर ये टॉप है। आगे जो है इसके इस तरीके से डिज़ाइन दिया हुआ है, पीछे जो है इसके ऐसे स्मॉकिंग की इलास्टिक वाली डिटेल दी हुई है। पेपलम स्टाइल के अंदर है ये, 100% कॉटन मटेरियल है। आगे जो है इसके ऐसे फ्लावर्स की डिटेल दे रखी है। स्ट्रैपी टॉप है, गर्मियों के अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्ट है, कॉलेज गोइंग है तो आप बहुत सही है, उस काम आ जाएगा आपके। स्ट्रैप्स जो हैं इसके एडजस्टेबल स्ट्रैप्स हैं, आप इसको टाइट और लूज अपने साइज़ के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैंने इन सभी साइज़ जो लिए हैं ना, सभी टॉप के अंदर, वो स्मॉल साइज़, मीडियम साइज़ लिया है, जो कि 34 बस साइज़ है। मतलब आप तो आप चेक कर लेना अपनी बस साइज़ के अकॉर्डिंग जो भी आपको साइज़ आएगा। आगे जो है ना यहाँ पे जो है इस तरीके से डबल कपड़ा दिया हुआ है, मतलब अच्छी क्वालिटी है, फाइन क्वालिटी ऑफ कॉटन है, ऐसे गंदी सी क्वालिटी वाला कॉटन का फैब्रिक नहीं है, अच्छी क्वालिटी का फैब्रिक है। आप चेकआउट कर सकते हैं इसको, आप ट्राउजर्स के साथ, जीन्स के साथ, सबके साथ पहन सकते हैं, सबके साथ चल जाएगा आपका। नेक्स्ट टॉप जो मैंने लिया है वो है ये रेड एंड ब्लैक कलर के अंदर स्मॉकिंग डिटेल वाला टॉप। पूरे ही टॉप के ऊपर इस तरीके से स्मॉकिंग की डिटेल दे रखी है, फुल स्ट्रेचेबल टॉप है। आगे से ऐसा है, पीछे से इस तरीके का है। स्लीव्स इसकी फुल स्लीव्स हैं, पफ स्लीव्स हैं, स्लीव्स के आगे ऐसे इलास्टिक की डिटेल दे रखी है। फैब्रिक जो है ना इसका पॉलिएस्टर फैब्रिक है, लेकिन मैं इसको ऑलरेडी एक बार पहन चुकी हूँ, मतलब मुझे गर्मी नहीं लगी थी। अगर आप पूरे दिन एसी में रहते हैं तो गर्मी तो लगने का कोई सवाल ही नहीं उठता है इसके अंदर। ऐसा भी नहीं है कि आपकी स्किन के ऊपर हार्श है, बहुत सॉफ्ट मटीरियल है, अंदर से भी हार्ड नहीं है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। इसमें आई गेस एक दो डिज़ाइन और भी अवेलेबल थे, अगर आपको वो पसंद आते हैं तो आप वो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉप जो है वो है ये स्मॉल साइज़ के अंदर मैंने लिया है, ब्राउन शेड के अंदर। वी इसका नेक है, डीप नेक है, मतलब अगर आप इसको इसके नीचे कुछ टेप लगा के, डीप नेक आपको कोई चाहिए या फिर आपको अगर वी नेक के अंदर चाहिए अच्छी क्वालिटी का टॉप, तो ये टॉप बहुत सही है, मेरे को बहुत सही लग रहा था पहना हुआ ना। पेपलम स्टाइल के अंदर है, फुल स्लीव्स का टॉप है। आगे इसके ऐसे इलास्टिक की डिटेल दे रखी है, पीछे इसके बांधने के लिए इस तरीके से दिया, क्योंकि डीप नेक है ना तो साइड पे गिरने की प्रॉब्लम होती है। आगे से ऐसा है ये, पीछे से इस तरीके का है। फ्रंट पे जो है ना इसके ऐसा डिज़ाइन दिया हुआ है, नीचे ऐसे पेपलम की डिटेल है, और अंदर जो है ना इसके मुझे लगा था इलास्टिक दे रखी है, पर इलास्टिक नहीं है, सिंपल इस तरीके से जो है इसका डिज़ाइन है। ब्राउन कलर के अंदर है, ब्राउन कलर का अच्छा लगता है कलर पहना हुआ ना ये। और फैब्रिक जो है इसका क्रेप मटेरियल है। क्रॉप टॉप मोस्टली जितने भी टॉप मैंने जो इस वीडियो में आपसे शेयर करूँ ना, वो क्रॉप टॉप्स नहीं है, नॉर्मल लेंथ के टॉप्स हैं, सिवाय एक दो टॉप होंगे जो क्रॉप्ड होंगे, बाकी सारे ही आपके फुल लेंथ टॉप्स हैं। क्रॉप टॉप आपको पसंद नहीं है तो इनमें से आप कोई भी टॉप ले सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉप जो है इस तरीके से कॉटन फैब्रिक के अंदर लिया है मैंने, स्ट्रैपी टॉप है। पेपलम स्टाइल के अंदर ये पूरा टॉप है आपका, इंडिगो प्रिंट के अंदर। पीछे जो है इसके इस तरीके से स्ट्रैप्स भी दे रखे हैं बांधने के लिए। ये है फ्रॉम द ब्रांड कॉटलैंड, मैंने फर्स्ट टाइम ये ब्रांड ट्राई किया है, अच्छा टॉप है। बस मेरे को ना थोड़ा गला डीप था, तो मैं इसके स्ट्रैप्स जो है थोड़े से टाइट कर लूँगी, तो इसका गला बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अच्छा टॉप है, इसको आप इंडो वेस्टर्न स्टाइल में भी स्टाइल कर सकते हैं, और प्रॉपर कैजुअल कॉलेज गोइंग स्कर्ट्स के साथ पहन सकते हैं, आप इसको ट्राउजर के साथ, जींस किसी के साथ भी पहन सकते हैं, अच्छा लगेगा। 100% कॉटन फैब्रिक है, कॉटन मटेरियल है, गुड क्वालिटी का, सॉफ्ट ऑन स्किन है, हार्ड ऑन स्किन नहीं है। अगर आपको हार्ड रैशेज की प्रॉब्लम हो जाती है ना कपड़ों से, तो आप इस तरीके के कॉटन के टॉप ट्राई कर सकते हैं, अच्छे लगते हैं पहने हुए। नेक्स्ट टॉप जो है मैंने लिया है ये ग्रीन कलर के अंदर, बहुत ही प्यारा सा ग्रीन है, गर्मियों के अकॉर्डिंग समर में बहुत सही लगता है। ग्रीन कलर का ये है टॉप, हाफ स्लीव टॉप है, टी शर्ट स्टाइल के अंदर है ये। आगे से ऐसा है, पीछे से इस तरीके का राउंड नेक है, रिब्ड फैब्रिक है, बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है, और रिब्ड फैब्रिक भी जो है इसकी अच्छी क्वालिटी का रिब्ड है, हल्का इसके अंदर स्ट्रेच भी है, मतलब मुझे तो बहुत सही लग रहा था, बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है ऐसा मोटा, और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं है कि आपको गर्मी लगे, और ज़्यादा पतला भी नहीं है कि आपको ये सी थ्रू लगे। अच्छी क्वालिटी के अंदर टॉप्स है, और रिब फैब्रिक के अंदर टॉप्स तो वैसे भी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं आजकल, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, बहुत ही
सिंपल सा आपका जो है ना बेसिक सा टॉप है, मैंने एक तो ये लिया है ग्रीन कलर का और इसी से मिलता जुलता टॉप मैंने जो बेसिक सा टॉप लिया है वो मैंने ये ब्लैक कलर के अंदर लिया है, स्लीवलेस टॉप है ये। आगे से इस तरीके के साइड पे ना इसके ऐसे डिज़ाइन दे रखा है कट वाला, और इसकी स्लीवलेस टॉप है, क्रॉप टॉप नहीं है, फुल लेंथ टॉप है ये। अच्छा स्ट्रेच है कपड़े के अंदर, रिब्ड फैब्रिक है, गुड क्वालिटी ऑफ रिब्ड फैब्रिक है, आपको कैमरे में दिख रहा होगा बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है, ब्लैक कलर के अंदर बिल्कुल सी थ्रू नहीं है, बहुत अच्छा कपड़ा है ये। मैंने ये फ्रॉम द ब्रांड लिया है ससाफरस बेसिक्स, जो है ना एक ससाफरस का है बेसिक्स वाला ब्रांड है, जिसमें मतलब आपको ना ऑफिस गोइंग और बेसिक बेसिक जो टॉप जीन्स वगैरह ये सब मिल जाएंगी, उसी ब्रांड उसी इसी कैटेगरी में से मैंने लिया है। जो नेक्स्ट रिब्ड फैब्रिक में मैंने लिया है ना, वो मैंने ये वाइट कलर का कॉलर्ड वाला बटन टॉप लिया है, इस तरीके का ये है, फुल स्लीव्स का टॉप है, लेकिन स्ट्रेच इसके अंदर बहुत प्यारा स्ट्रेच है, अच्छा खासा स्ट्रेचेबल टॉप है ये, सी थ्रू नहीं है, मुझे सी थ्रू नहीं लग रहा था, सी थ्रू नहीं है ये टॉप। अगर आप इसके नीचे स्किन कलर की ब्रा पहनेंगे तो बिल्कुल नज़र नहीं आएगी, आपकी स्किन भी नज़र नहीं आएगी और आपके इनर्स भी नज़र नहीं आएंगे। अच्छा फैब्रिक है, स्ट्रेचेबल फैब्रिक है, गुड क्वालिटी ऑफ मटेरियल है ये, आगे से ऐसा है, पीछे से इस तरीके का है, और बटन जितने भी आगे दे रखे हैं ना इसके सारे बटन जो है आराम से ओपन हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉप जो मैंने लिया है वो है ये ग्रीन, लेमन ग्रीन कलर के अंदर ये टॉप, वी नेक का ये टॉप है, फुल स्लीव्स का टॉप है, और इसमें बेस्ट पार्ट क्या है कि जो इसके शोल्डर्स है ना, शोल्डर्स के ऊपर इस तरीके से इसके पैडिंग दी हुई है तो शोल्डर से फिट अच्छा आ रहा था। आगे जो है इसके इस तरीके से ये डिज़ाइन दे रखा है, और आपका थोड़ा सा हाई लो टॉप है ये, अच्छी क्वालिटी के अंदर है, गर्मियों में भी पहन सकते हैं आप इसको, विंटर्स में भी पहन सकते हैं, और थोड़ा अच्छा सा मतलब जैसे कि आपका मॉनसून वाला मौसम होता है ना, ठंडा ठंडा मौसम जिसमें होता है और गर्मी भी नहीं होती ज़्यादा, ठंडा मौसम भी नहीं होता, उस टाइम पे भी आप इस तरीके के टॉप पहन सकते हैं, अच्छे लगते हैं पहने हुए। फैब्रिक जो है इसका पॉलिएस्टर फैब्रिक है, लेकिन अच्छा फैब्रिक है, घटिया क्वालिटी का फैब्रिक नहीं है। लास्ट दो टॉप जो मैंने लिए हैं, ये वाला क्रॉप टॉप है, टी शर्ट स्टाइल के अंदर टॉप है, राउंड नेक है, आगे से इस तरीके का है ये, आगे कॉटन के कपड़े की ने इस तरीके से डिटेल दी हुई है, पीछे से ये इस तरीके का है, और पीछे जो है ना इसके ऐसे बांधने के लिए नॉट्स दे रखे हैं, और इसका फैब्रिक जो है लाइकरा मटेरियल है, सॉफ्ट लाइकरा, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट लाइकरा मटेरियल है। मैंने इसको रोडस्टर ब्रांड से लिया है एम साइज़ के अंदर, मतलब 34 बस साइज़ ही है ये, बहुत ही सही है, ऐसा आगे से है पीछे से ऐसा है, पहना हुआ स्मार्ट लग रहा था, अलग सा है, डिफरेंट सी लुक है, मैंने ऐसे टॉप जनरली देखे नहीं है, बहुत डिफरेंट सी लुक वाला टॉप है, अच्छा टॉप है। लास्ट एंड फाइनल टॉप जो मैंने लिया है, मैंने ड्रेसबेरी ब्रांड से लिया है ये टॉप, इसको मैं दिखाती हूँ किस तरीके का, ये थोड़ा क्रॉप, ये भी जो है ना क्रॉप्ड टॉप है ये, आगे से जो है ना ऐसे क्रिस क्रॉस वाली डिटेल है इसकी ना, मतलब ऐसे क्रिस आपका जो है हॉल्टर नेक स्टाइल के अंदर टॉप दे रखा है, आगे से इस तरीके का ये है, हॉल्टर नेक वाला टॉप है ये, आगे से ऐसा है, पीछे से इस तरीके का है, पहना हुआ अच्छा लग रहा है, डिसेंट सा लग रहा है, ऐसा नहीं है कि बहुत ओवर एक्सपोजिव आपकी ओवर एक्सपोजर है या स्किन बहुत ज़्यादा विजिबल है, स्किन विजिबल नहीं है ज़्यादा, लेकिन अच्छा है, स्ट्रेचेबल मटेरियल है, पॉलिएस्टर और लाइक्रा मिक्स वाला फैब्रिक होता है ना वो वाला फैब्रिक है ये, स्ट्रेचेबल मटेरियल है, पहना हुआ मुझे डिसेंट लग रहा था। ये मैंने लिया है ड्रेसबेरी ब्रांड से, और इसमें साइज़ मैंने लिया है स्मॉल, अगेन वही 34 बस साइज़ है, कईयों में M 34 है, कईयों में L 34 है, कईयों में स्मॉल 34 है, कईयों में एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ 34 के अंदर है, तो ये सारे टॉप 34 बस साइज़ में, तो आप मेरा साइज़ रेफ़र करते हैं तो आप 34 साइज़ ले सकते हैं, आराम से आपको आ जाएगा। तो यस, ये थे आज के सारे प्रोडक्ट्स और वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को थम्स अप ज़रूर दें, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था, बहुत ही जल्द हम फिर से मिलेंगे एक और नई वीडियो में, जब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे सेफ, बाय बाय।